प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बोलने वाले तोते का वाकया सुनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर से देखते रहे और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक आदमी ने अपने घर में बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहा करता था, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक से बहुत खुश रहा करता था और मालिक का वफादार भी था। इसकी वजह ये थी कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखता था। रोजाना दफ्तर जाने से पहले वो तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास रुकता और उसको दाना पानी डालता, उससे मजे मजे की बातें करता। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर वापस आने पर बहुत खुश हो जाता था। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी अपने साथ लेता गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीवी उसकी गैर मौजूदगी में तोते का ख्याल रखा करती थी और उससे मीठी मीठी बातें किया करती थी। तो तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता तो खुशी से निढाल हो जाता। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी आदमी घर में घुस गया और वो औरत उस अजनबी आदमी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रहती। तोता हैरान था कि भला ये कौन है जो पहली बार उनके घर के अंदर आया है और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया। और फिर ये मामूल बन गया, यानी अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मालिक दफ्तर को जाता, वो आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा सारा दिन बातें करता और अजीब अजीब हरकतें करता और फिर दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उस आदमी के आने से वो खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। अपनी मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता उदास और परेशान रहने लगा। एक दिन जब वो आदमी आया तो तोते ने उसको मुखातिब करते हुए कहा, ये आदमी तेरा नाम क्या है, तू कौन है और यहाँ क्यों आते हो? वो आदमी तोते के सवाल को सुनकर घबरा गया। उसको नहीं पता था कि ये तोता अच्छी तरह से बोलना भी जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा कि अगर तोता ये सब बातें मेरे शौहर को बता दे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, ये मेरा भाई है। तोता ये समझ रहा था कि मालकिन झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसको ये बात समझ आ चुकी थी कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया और वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मालिक को बता दे कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर में आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से तोते ने उस अजनबी से सवाल पूछा था, उस दिन के बाद वो आदमी घर के अंदर नहीं आता था और खूबसूरत मालकिन ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया, यानी उससे बातें करने लगी और तोता सारा दिन चहकता रहता। लेकिन एक दिन अचानक वही अजनबी फिर से उसके घर आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा और ये देखकर तोते को शदीद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, वो कमबख्त, आज मैं अपने मालिक को बता कर रहूंगा कि तुम उसके घर में आकर उसकी बीवी से बुराई करते हो। आदमी तोते से बोला, फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। इसके बाद तोते की मालकिन ने अजनबी को एक बैग लाकर दिया और उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाए और मालकिन से मिन्नतें करने लगा कि उसे छोड़ दे, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा कि इस तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद ना यह घर में रहेगा और ना हमको इससे कोई खतरा होगा। अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना ना सीखा होता तो आज यूं बेबसी की मौत ना मरता। तोते के मालिक की बीवी बदकिरदार निकली। अपने शौहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आशिक को घर में बुलाकर मुंह काला किया करती थी। उसको याद ना रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। जिस दिन तोते ने उस औरत के आशिक से सवाल किया था तो औरत को खतरा महसूस हो गया कि तोता बहुत जल्द अपने मालिक को मेरी करतूत बता देगा। तो उसने अपने आशिक के साथ मिलकर तोते को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते वो अजनबी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाल कर कहा कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर तुमको मारना मेरी मजबूरी है।
वरना तुम हमारी मिलने का राज उस औरत के शौहर को जरूर बताते। तोते ने अजनबी से कहा, मैं खुद पिंजरे से आजादी चाहता था, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं दोबारा कैद में जाऊं। मैं इस जंगल में आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आदमी को तोते की बात में वजन महसूस हुआ। उसने तोते को मारने के बजाय आजाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहां से उड़ा और अपने घर वापस पहुंचकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। शाम को मालिक दफ्तर से वापस लौटा, तोते को पिंजरे में मौजूद ना पाकर उसने अपनी बीबी से पूछा तो बीबी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला, लेकिन तोता झट से उड़ गया। तोते का मालिक ये सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, मैं तो इतने सालों से उसको वफादार साथी समझता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। जानवरों और परिंदों में वफा होती ही नहीं। तोता ऊपर पेड़ पर बैठा चुपचाप ये सारा माजरा देखता रहा। उसकी बीवी अपने शौहर को कमरे में लेकर चली गई। तोते का यकीन पुख्ता होता चला गया कि मालकिन बदकार है। अगली सुबह जब तोते का मालिक दफ्तर रवाना हुआ तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता गया। उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर पेड़ पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वही अजनबी आया और मालिक की बीवी को लेकर कमरे में चला गया। जब तोते ने देखा कि दोनों कमरे में चले गए हैं, तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर पर जाकर कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने जब अपना तोता देखा तो हैरान रह गया। वो जल्दी से उठा और तोते के पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता आगे आगे चलता जा रहा था। आदमी हर सूरत तोते को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो हाथ ही नहीं आ रहा था। चलते चलते वो तोता अपने मालिक के घर की दीवार पर आकर बैठ गया। आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता वापस अपने घर पहुंच गया है, लेकिन मसला ये था कि उसको पकड़ा कैसे जाए। आदमी तोते के पीछे ही अपने घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से जाकर सीधा कमरे के दरवाजे के पास बैठ जाता है। आदमी बाहर से उतरकर तोते के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो आगे जो मंजर उसको नजर आया, वो मंजर देखकर तोते को वो भूल गया, क्योंकि उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बीवी गलत हालत में किसी अजनबी के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई दिखाकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीवी को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद तोते ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीवी की बातें सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने धोखा दे दिया है, लेकिन असल में तो उसके साथ तोते ने नहीं बल्कि खुद उसकी बीवी ने धोखा किया था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह दिलचस्प वाकया आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दे। हम मिलते हैं आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।